ठीक है, अब यहाँ करते हैं, अब थर्ड वाला डिजाइन बनाएंगे टाइपोग्राफी में। ये थोड़ा सा वहाँ आपको 3D इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब इसको इफेक्ट्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए होगा। लेट सपोज हम अगेन ब्लैंक कैनवास ले लेते हैं, चाहे आप इसको साइज डिफरेंट कर लो और इसमें आप अपनी मर्जी से आप कलर ऐड कर लो, ठीक है, या इसमें कोई बैकग्राउंड एलिमेंट ऐड कर लो, ठीक है। इसके बाद आप टेक्स्ट ऐड कर लोगे इसमें और इस टेक्स्ट को आप ऊपर सेंटर में लिख लोगे, ठीक है। एक टेक्स्ट ऐड कर लोगे, लेट सपोज इस टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं, ठीक है, कैनवा को ही कर लेते हैं हम, ठीक है, और उसको उसके मुताबिक साइज को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप उसको एडजस्ट कर लोगे वन टाइम, ठीक है। अब इसमें 3 बार हम डुप्लीकेट कर रहे होंगे और 3 बार कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसको आप एडजस्ट कर लोगे और आपके पास जिस तरह एडजस्ट हो गया, ठीक है, अब नॉर्मली आप इसको सिलेक्शन कर लोगे, ठीक है। लेट सपोज आपने फाइनलाइज कर लिया, अब आप इसको 3 बार डुप्लीकेट कर लोगे वन टाइम। कि ज़्यादा क्लिक हो रहा है, ये वन टाइम कर लिया आपने, दो हो गया, और थर्ड टाइम, ठीक है, एक को नीचे वेट करा दोगे और इसको ज़रा करीब कर दोगे इसके, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। फिर और इसके बीच में आप इसको 3D इफेक्ट करने के लिए यहाँ पर अगेन ट्राइंगल लेके आ जाओगे, बीच में एलिमेंट्स है आपके पास, और रेक्टेंगल को हाफ कर लोगे और आप थर्ड वाले को उसको ऊपर लेके आओगे, ठीक है। अब इसको इसके मुताबिक आप एडजस्ट कर रहे होंगे इसके साइज के मुताबिक, ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्पेस आ जाए इसमें, उसके लिहाज से आप एडजस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर लोगे इसके मुताबिक, थोड़ा और कर लोगे स्पेस के मुताबिक, ठीक है। ठीक है, इतना हो जाए कि आप फिर इसको यहाँ लेके आते हो तो यहाँ पर ये एडजस्टेबल हो रहा हो, ठीक है। और इसके लिए फिर अगेन आपको अगर लगता है कि भाई इसमें एडजस्टेबल नहीं हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लोगे, इस सी को सेकंड वाले को, ठीक है, आप इसको और नीचे कर लोगे और इसके बीच में यहाँ लेके आ जाओगे, ठीक है। और इसके बिल्कुल सेंटर में ही आप इसको ऐड कर रहे होंगे और फिर इसके ऊपर आप इसको लेके आ जाओगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप इसको ऊपर लेके आ जाओगे पोजीशन पे सेट करके, इसको इसके बीच में लेके आ जाओगे, ठीक है, ये ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर इसको लेके आना है आपका दिस वन, अब इसको इसके ऊपर लेके आ जाओगे तो मीन्स जहाँ से हम इसके ऊपर यहाँ पर सेट कर लेंगे तो उसको, ठीक है, ये अब इसके ऊपर आ जाएगा। और हमारा बैकग्राउंड कौन से कलर का है आप उसके मुताबिक अब इसको एडजस्ट कर लोगे, आप पर्पल कलर का है तो उसको बैकग्राउंड को पर्पल कलर में चेंज कर लोगे, तो आपके पास ये जो डिज़ाइन है वो 3D में इस तरह दिख जाएगा आपको। अब उस मुताबिक एडजस्ट कर रहे होंगे आप समवेयर, आप उस मुताबिक उसको और एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह डिज़ाइन 3D में आप इफेक्ट्स में आप कर सकते हो उसको, कि आपको ऐसा लगेगा कि 3D में कटा हुआ है। अब इसी फॉन्ट को आप डुप्लीकेट करते हैं नेक्स्ट, इसी चीज़ को, न्यू चीज़ को ट्राई करते हैं, न्यू अल्फ़ाबेट को, हम कैपिटल अल्फ़ाबेट ले लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं वर्ड को माइंड और इसको कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं येलो, ठीक है, ये आपका वन हो गया। उसको थोड़े ऊपर लेके आ जाएंगे इसको एडजस्टेबल, और इसको थर्ड को नीचे लेके आ जाएंगे, तब तक एक ट्राइंगल लेके आ जाते हैं, ठीक है, इसको इसके एडजस्टेबल कर देंगे और ये तकरीबन इसके एडजस्टेबल हो, ठीक है।
ठीक है, इसको बीच में इसको कहीं लेके आ जाएंगे कि थोड़ा स्पेस इसके बीच में भी हो ऊपर भी हो, ठीक है। जहाँ अगर लगता है इसको थोड़ा सा नीचे करने की ज़रूरत है तो थोड़ा आप नीचे कर लो, यहाँ से भी ऊपर भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और इसको फिर आप इसके ऊपर लेके आओगे तो पोजीशन पे जाकर ये वाले लेटर को आप ऊपर लेके आ जाओगे तो ये ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर लोगे एडजस्ट, अब ये इसके ऊपर आ रहा होगा गैप से, ठीक है। और समवेयर आप इसका स्पेस दोनों तरफ से नीचे बराबर होगा, और इसको आप पर्पल को फिर पर्पल कलर में कर लोगे, या फिर आप यहाँ से इसका जो सेलेक्ट किया हुआ इंक है वो उसमें आप कलर चूज कर लो, ठीक है। तो ये आपका 3D इफेक्ट में आ जाएगा इस तरह। मजीद जहाँ पर आके किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो यहाँ के आपको प्रैक्टिस कर सकता है। वी हैव 6 मिनट्स, ठीक है। तो एक या दो लोग आके प्रैक्टिस कर लो उसको, ठीक है। करें इसको, और जो यहाँ पर आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं यहाँ आके प्रैक्टिस कर लो।